ओके सो व्हाट इज अप गाइस, जिस तरह से बहुत सारे थीम्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस थीम में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी। इस थीम में आपको काफ़ी अच्छे स्टेटस बार के आइकन्स देखने को मिलेंगे, लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारी कस्टमाइजेशंस आपको देखने को मिलती हैं। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया थीम है, इसका जो होम विजिट है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। छोटे छोटे करके आप 4-5 विजिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे थीम्स में ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस थीम में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। उसके अलावा इस थीम में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी है वो है इसका ब्राइटनेस स्लाइडर। कंट्रोल सेंटर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लेकिन जितना भी इसका ब्राइटनेस स्लाइडर के आप इश्यूज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्लाइडर आपको देखने को मिलता है आपको, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है ये ब्राइटनेस स्लाइडर, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये थीम प्रॉपर पसंद ना भी आए, आप इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं, इस कंट्रोल सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस स्लाइडर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो एक और वन ऑफ द रीज़न आप बोल सकते हैं कि इस थीम को ट्राई करने का, जिसे आपको अपने डिवाइस में ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए। उसी के साथ साथ बिल्कुल सेटिंग्स में भी आपको काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अलग लेवल की थीमिंग देखने को मिलती है। जितने भी इसके सब मेन्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से थीम्ड आपको देखने को मिलते हैं। आपने सर्च बार देखा वो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर मेन्यूज़ हैं, जहाँ पर भी आपको एंट्री करनी है, वहाँ पर हर जगह पर आपको एक अलग अलग सा साइन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसके साथ साथ जैसे आप देखें, जितने भी सेटिंग्स के आइकन्स हैं लेफ्ट साइड पर, वो भी सभी थीम्ड है, काफ़ी कलरफुल आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सब मेन्यू में एंटर कर चुके हैं तो यहाँ पर भी आपके पास देखेंगे, आपको सब मेन्यूज़ में और बाकी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती हैं, इंटरेस्टिंग देखने को मिली हैं। और जितने भी इसके स्विचेज हैं उसमें हल्की सी थीमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा थीमिंग नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थीम है। आपने इसके स्टेटस बार के आइकन्स तो ऑलरेडी देख ही लिए हैं कि स्टेटस बार के आइकन्स काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा आइकन्स सेटिंग्स वगैरह के वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया, मिनिमल सा थीम है लेकिन काफ़ी बढ़िया है, और कोई ज़्यादा इसमें आपको लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी इसके आइकन्स हैं, आइकन पैक की बात करेंगे तो आपको थोड़े थोड़े 3D आइकन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपको ये आइकन ज़रूर पसंद आएंगे। स्टेटस बार के आइकन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, स्टेटस बार के आइकन्स में वाईफाई और बैटरी के इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल बहुत ही कमाल का ये थीम है, ये थीम आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके साथ बात करेंगे अगर किसी और चीज़ की, यानी कि इसकी लॉक स्क्रीन की, जिसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको बस इस तरह से इसको ओपन करना है। आपके पास हाइड लॉक विजेट, उसके साथ लॉक स्क्रीन का कलर आप चेंज कर सकते हैं, राइट साइड का जो स्विच है लाइक दिस, उसको उसका जो कलर है, अगर आपको ब्लैक चाहिए ब्लैक रख लीजिए, वाइट चाहिए वाइट कर सकते हैं। टाइम का साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम का जो एंगल है उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक स्लाइडर जो है अवेलेबल है, इस तरह से आप इसका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसमें बात करेंगे इसकी कस्टमाइजेशंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं, तो इतनी सारी कस्टमाइजेशंस की बात करेंगे तो आप इसे आराम से जब इंस्टॉल करेंगे तब आप इन सब कस्टमाइजेशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थीम है, आप देखेंगे आप इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा लेवल की कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं लाइक दिस। और जैसे आप इसे यूज़ करेंगे आपको इसमें एक अलग तरह की जो साउंड है वो भी देखने को मिलेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब आप इस थीम को अप्लाई करेंगे तो आपको ये साउंड भी यहाँ पर सुनने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस थीम में देखने को मिलेंगी, और बिल्कुल लाइट और मिनिमल थीम है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप इस थीम को अपने डिवाइस में आराम से ट्राई आउट कर सकते हैं। स्पीड ब्राइटनेस विथ काफ़ी कुछ आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इवन आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टच इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं यूज़ करने के लिए, कुछ चीज़ें फॉर जस्ट फॉर फन भी आप बोल सकते हैं, और उसमें से वही चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग थीम आपको इस चीज़ में देखने को मिलेगा, ये थीम आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसका MTZ फाइल का लिंक तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको इसका थीम स्टोर का लिंक चाहिए वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस थीम का नाम है ROSE रोस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी प्रोनाउंस कर दिया, आप वही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और दोबारा से मैं आपको एक बार इसको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर MTZ और थीम स्टोर दोनों का लिंक मिला तो दोनों मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। दिस इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Like I'm floating through the air.